हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द राजन। आज मैं गांधी आश्रम आया हूँ, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए गाइस शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे शायद तस्वीर लगाई हुई है, यहाँ पे भी इनके बारे में बताया गया है। मैं अपने धार्मिक चार को उर्दू दीवार से घेर नहीं लेता चाहता और न खिड़कियों को बंद कर रखना चाहता हूँ। ऐसी कई चीज़ें महात्मा गांधी ने यहाँ पे लिखी हुई बताया गया इनके बारे में। चलिए और जानते हैं इनके बारे में। तो आइए गाइस हम अंदर जाके देखते हैं कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये महात्मा गांधी जी का आश्रम, इसे हम साबरमती आश्रम के भी नाम से जानते हैं। ये साबरमती के पास में ही आश्रम तस्वीर लगी हुई है महात्मा गांधी जी की, और लिखा भी हुआ है कि रचनात्मक कार्यक्रम सिंबल्स कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा भी हुआ सब। दांडी कूच यहीं से शुरुआत की गई थी, और नमक आंदोलन यहीं से गांधी जी ने शुरुआत की थी। यहाँ से आए कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको गांधी जी की। यहाँ पे ये पेंटिंग अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग दिखाई है मोहनदास करमचंद गांधी। तो गाइस देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम, अभी यहाँ आया हुआ हूँ। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से भी कुछ ऐसा दिख रहा है। बाबा गांधी आश्रम में मैं आपको अभी गांधी जी का चरखा और ये सब भी दिखाऊंगा, बने रहेगा वीडियो में। बहुत ही अच्छा आश्रम है गाइस, आप देख सकते हैं ये वही नमक है जो गांधी जी ने नमक की शुरुआत की थी आंदोलन की, देख सकते हैं आप। ये नमक अभी भी गांधी आश्रम साबरमती आश्रम के अंदर ही रखा हुआ है। अरे आइए मैं उनकी माता की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, कस्तूरबा उनकी माँ का नाम था। तो गांधी जी की माता कैसी दिखती थी मैं आपको बताऊँ, चलिए आइए। ये सबसे गाइस ये है गांधी जी की माँ का नाम कस्तूरबा, वही उनकी माता है। अच्छा जी, अभी स्टैचू भी लगाया हुआ है, लिखा हुआ है कि गांधी जी की अपना दैनिक जीवन हो या आश्रम जीवन, कस्तूरबा का स्थान इन सब में विशिष्ट बना रहा। गांधी जी ने एक ही खुद एक जगह कहा है, अगर बा का सहयोग न होता तो मैं इतना आगे बढ़ नहीं पाता था। इसलिए आपको अभी चीज दिखाता हूँ, जाइए चले आइए। गांधी जी का चरखा जो मैं अभी बताया आपको, मैं वो दिखाता हूँ आपको, आइए। गांधी जी का चरखा, इम्पोर्टेंट इज देयर इज द इम्पोर्टेंट इज द आश्रम, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है महत्व पद्मी, देखिए पूरा का पूरा व्यू देखिए यहाँ का आश्रम का, इट्स फंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है ये। नमक का आंदोलन किया हुआ था उन्होंने दांडी कूच, इसको साबरमती आश्रम भी कहते हैं, मैं आपको बताया जैसे कि पहले ही। देखिए गाइस मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसी कैसी जगह, देखिए इट्स अमेजिंग प्लेस, देख सकते हैं आप। जैसे देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, गाइस गाइस व्यू देखिए कितना अच्छा आश्रम है ये, आपको दिखाता हूँ।
माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक व्यू गाइस, मेरे लिए गाइस देख सकते हो आप, मन खुश हो जाता है ऐसे आश्रम में आज। मैं आपको मेन व्यू दिखाता हूँ, आइए मेरे पीछे, बहुत ही अच्छी जगह है। एक बात है, अहमदाबाद में इस आश्रम में विजिट करना बनता है। मैं बाहर जा रहा हूँ गाइस, अभी अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा था, आपने देखा, माइंड ब्लोइंग प्लेस, अमेजिंग।